हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस सब्जेक्ट का रिवीजन करने वाले हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर से आपसे कंसेप्चुअल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। देखिए, अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो यहाँ लिखा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्लो ऑफ फंड है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, इससे डील किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो यहाँ पे ये भी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, तो आप इसको भी याद रखिए। चलिए, इसके अंदर मेन तीन टाइप के डिसीजंस लिए जाते हैं, और वो कौन से तीन टाइप के डिसीजंस होते हैं, देखिए आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब ये तीनों टाइप के डिसीजन किस चीज़ से डील करते हैं, देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका फाइनेंशियल डिसीजन कंसर्न होता है हाउ टू रेज फंड्स फ्रॉम मार्केट। मार्केट से फंड कैसे रेज किया जाए, आप डेब्ट फॉर्म में रेज करेंगे, आप इक्विटी फॉर्म में रेज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर आती है। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो आपने जो भी फंड्स रेज किए हैं यहाँ पे उसको कहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपका इन्वेस्टिंग डिसीजंस के अंदर आता है। थर्ड है आपका डिविडेंड डिसीजन, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपने जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए हैं यहाँ पे आप उन प्रॉफिट्स को एज अ डिविडेंड दे देंगे शेयर होल्डर्स को, या फिर उसको आप रिटेन करके रखेंगे और उसे कहीं और इन्वेस्ट करके इन उसमें से रिटर्न जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें डिविडेंड देना चाहिए या प्रॉफिट्स को रिटेन करना चाहिए। नाउ यहाँ पे बेसिकली ये तीनों टाइप के जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ही इन तीनों टाइप के डिसीजंस को लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन का ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ये कैसे किया जाता है, देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट इशू करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न जो होगा वो बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे बेसिकली जो आपकी डेब्ट फाइनेंसिंग है वो यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम होता है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इसलिए अगर आप डेब्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की रिड्यूस हो जाती है, तो इससे बेसिकली इक्विटी रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आने वाला है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, एक है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो इक्विटी शेयर का प्राइस है उसको इंक्रीज करना। उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, कंपनी का मार्केट में गुडविल बहुत अच्छा है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, लोग उस कंपनी के शेयर की डिमांड करेंगे, और जब भी शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसके प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, बेसिक इकोनॉमिक्स का लॉ है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया जाए, और ये कैसे किया जा सकता है, अगर प्रॉफिट्स अच्छे अर्न कर रही है कंपनी और कंपनी की गुडविल अच्छी है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो इस तरीके से वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम रिवाइज करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर से। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसके अंदर आपको फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग करनी होती है, तो बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर हम बस फॉर्मूला देखेंगे कि बेसिकली कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है क्या, और देखिए इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो 10% का रेट होता है डिस्काउंटिंग का आप उसको याद रख लीजिए, बिकॉज देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है वो, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो 10% का डिस्काउंटिंग रेट है आप उसको भी याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही वो याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग, तो देखिए कैपिटल बजटिंग के अंदर जो आपके मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप इन डेप्थ में जाना चाहते हैं तो एनपीवी एंड आईआरआर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। अब देखिए इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, आपको पता होगा, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड होता है आपका डिस्काउंटेड मेथड। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आपके कौन कौन से मेथड्स आते हैं, पे बैक पीरियड, सेकेंड आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न,
नाउ इसके बाद आपका डिस्काउंटेड मेथड की अगर हम बात करें तो डिस्काउंटेड मेथड को आप मॉडर्न अप्रोच भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए डिस्काउंटिंग को यूज किया जाता है, दैट इज जो फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलने वाला है उसको प्रेजेंट में लाने के लिए आप डिस्काउंटिंग का यूज करते हैं। तो देखिए इसके अंदर मेथड्स कौन कौन से हैं, एनपीवी, आईआरआर, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड एमआईआरआर, तो हम इन सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। चलिए अगला टॉपिक होगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती है, आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा, डेब्ट को यहाँ पे बॉन्ड भी बोलते हैं। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके डिविडेंड के अंदर जो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। सेकंड, अगर ग्रोथ हो भी रही है तो कॉन्स्टेंट रेट से हो रही है, जैसे कि मान लीजिए 10%, 5% वो कॉन्स्टेंट है। ओके, थर्ड है आपका वेरिंग ग्रोथ रेट। तो वेरिंग ग्रोथ रेट में क्या होता है कि बेसिकली फर्स्ट 5 years तक ये ग्रोथ रेट रहेगा, उसके बाद आपका ग्रोथ रेट चेंज होकर इतना हो जाएगा, उसके बाद इतना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे वेरिंग ग्रोथ रेट होगा। तो देखिए वेरिंग ग्रोथ रेट जो आपका है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और लेंथी भी हो जाती है इसकी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपसे एमसीक्यू फॉर्म में ये तो नहीं पूछा जाएगा, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आपके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हम केवल उन्हीं को कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपका जीरो डिविडेंड, अगर मान लीजिए कंपनी कोई डिविडेंड दे ही नहीं रही है। उसके बाद आपका है कैपम मेथड, तो कैपम मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम मार्केट रिस्क प्रीमियम के बेसिस पे हम इक्विटी शेयरहोल्डर्स का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे और उनके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। चलिए अगला है आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो देखिए अभी तक हमने बात की इक्विटी शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, डिबेंचर्स की। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कंपनी के पास जो रिटेन्ड प्रॉफिट है अगर उसको कंपनी यूज कर रही है तो उसकी भी कुछ कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद आपका वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का जो है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। चलिए अगला है आपका लीवरेज एनालिसिस। तो इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज कैसे निकलता है, ईबीआईटी से आप ईपीएस पे कैसे आते हैं, तो ये सारी चीजें आपका लीवरेज एनालिसिस के अंदर आएगा। इससे आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये फर्म की वैल्यू को इम्पैक्ट करता है या नहीं करता, इसकी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि आपकी नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच, तो ये सारी अप्रोचेस को हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका है डिविडेंड डिसीजंस। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए कुछ मेथड्स ये कहते हैं कि जो डिविडेंड है वो वैल्यूएशन ऑफ फर्म के लिए रेलेवेंट है और कुछ कहते हैं इररेलेवेंट है। तो उसके अंदर हम देखेंगे वॉल्टर्स का फॉर्मूला क्या है, गॉर्डन्स का फॉर्मूला क्या है, रेजिडुअल थ्योरी क्या है और एमएम अप्रोच क्या है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो कैश मैनेजमेंट का मोटिव होता है वो क्या होता है, फ्लोट मैनेजमेंट क्या होता है, कैश बैलेंस के मॉडल क्या क्या है, बॉमन्स मॉडल, मिलर और मॉडल, और इसके बाद पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो ये सारी चीजों को हम कंसिडर करने वाले हैं, बिकॉज इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और हर एक टॉपिक को देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका टॉपिक है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके अंदर आपको केवल ये पता होना चाहिए कि आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालनी है। देखिए आप 10% का रेट याद रख सकते हैं, इसके अलावा कोई और रेट अगर आपको दिया जाता है तो उससे रिलेटेड डिस्काउंटेड वैल्यू फैक्टर आपको गिवन होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होगा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू को आप फ्यूचर में ले जाके उसकी वैल्यू पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 1+r^n, दैट इज यहाँ पे r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n क्या है आपका टाइम पीरियड। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अपने अपने स्कूल्स में भी इसको पढ़ा होगा। सेकेंड आपका डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग पे आते हैं। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बेसिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल एज वेल एज न्यूमेरिकल, तो आपको दोनों आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपका ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या आते हैं, जो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स हैं वो सारी टेक्निक्स आपकी ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए लिखा गया है नॉन डिस्काउंटेड, ओके। तो इसमें सबसे पहला मेथड आपका पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड होता क्या है, देखिए पेबैक पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर आपका जो इनिशियल आउटले है उसका रिटर्न आ जाएगा, कितने पीरियड के अंदर आ जाएगा वो आपका पेबैक पीरियड डिसाइड करता है। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोजल्स Q
क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो टू बी इक्वल टू कैश आउटफ्लो। क्यूमुलेटिव का यहाँ पे क्या मतलब है, जो भी आपका फ्यूचर के अंदर रिटर्न्स आने वाले हैं उन सबकी का क्यूमुलेटिव अमाउंट आपका जो इनिशियल आउटले के इक्वल हो जाएगा, वो कितना टाइम पीरियड है वो आपका पे बैक पीरियड के अंदर आता है। ओके चलिए, इसके अंदर देखिए दो चीजें हो सकती हैं, जो आपका एनुअल रिटर्न्स आ रहे हैं वो आपके इक्वल हो सकते हैं या अनइक्वल हो सकते हैं। देखिए अगर वो इक्वल है तो उसकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, अगर वो अनइक्वल है तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये दोनों मेथड को हम एक बार न्यूमेरिकल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके एनुअल इनफ्लो अगर इक्वल है, तो मान लीजिए आपका इनिशियल आउटले 1 लाख रुपीज रहा है और आपको इनफ्लो हो रहा है 20,000 पर ईयर फॉर 6 ईयर, तो आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न कितना मिल सकता है 1,20,000 का। बट आपका पे बैक पीरियड क्या होगा, पे बैक पीरियड आपका होगा 5 ईयर्स, बिकॉज देखिए 5 ईयर्स के अंदर आपका इनिशियल आउटले का जो अमाउंट है वो आपका इनफ्लोज के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया अगर आपका एनुअल इनफ्लो इक्वल है। अब मान लीजिए आपका एनुअल इनफ्लो अनइक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपका इनिशियल आउटले कितना है 1 लाख रुपीज, इनफ्लो कितना आ रहा है आपको 20, 30, 45, 15,000, तो इस तरीके से आ रहा है। तो इसका हम क्यूमुलेटिव अमाउंट अगर देखें तो कैसे आ रहा है, फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 हो गया, सेकंड में 50, थर्ड में 95 और फोर्थ में हो गया 1,10,000। तो इसका यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा दैट इज 3 point something आएगा। ओके तो इस तरीके से एनुअल इनफ्लो अगर मान लीजिए अनइक्वल है तो उस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन पार्ट इसके अंदर मैं नहीं समझा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये चीज आपसे पूछी नहीं जाएंगी, बट आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कैसे निकाला जाता है और इसका बेसिस क्या है। आगे बढ़ते हैं हम डिसीजन रूल पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पे बैक पीरियड के अंदर डिसीजन रूल कैसे निकाला जाता है ये आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, तो इसको याद रखिए। देखिए आपका पे बैक पीरियड अगर कम है टारगेट पीरियड से, टारगेट पीरियड आपका कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए उन्होंने टारगेट बनाया कि 5 ईयर्स के अंदर हमारा रिटर्न आ जाना चाहिए, और यहाँ पे बेसिकली जो आपका रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है आपका 4 ईयर्स के अंदर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए 4 ईयर्स के अंदर रिटर्न आ जा रहा है और आपने एक्सपेक्ट किया था कि 5 ईयर्स के अंदर आएगा, तो सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट मान लीजिए आपने टारगेट बनाया 5 ईयर्स का और आ रहा है रिटर्न 6 ईयर्स के अंदर, तो उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल सा रूल है, याद रखिए इसको, टारगेट से कंपेयर किया जाता है जो आपका पे बैक पीरियड होता है। चलिए अगला है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, एनुअल रिटर्न्स ऑफ ए प्रोजेक्ट आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो आपका नेट इनफ्लो होता है, एनुअल रिटर्न्स जो होते हैं उसको एज अ परसेंटेज शो किया जाता है जो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से इन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली एवरेज है किसका, जितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है उतने टाइम पीरियड का एवरेज निकाला गया है, तो यहाँ पे उसके बेसिस पे इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। देखिए यहाँ परसेंटेज फॉर्मूले में रखा गया है इसीलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी किया गया है, तो इसके बेसिस पे आपका ARR आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली एवरेज इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा गया है, कितना एवरेज, जितने टाइम पीरियड के लिए आपका जो फंड है वो उस प्रपोजल के अंदर इन्वेस्टेड रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी गिवन है, आपसे फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 आपकी जो इनिशियल कॉस्ट लगी है प्लस इनिशियल कॉस्ट के साथ साथ आपका जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगा है, आपको पता होगा ये दोनों के दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब देखिए इसके साथ साथ इसमें से जो आपका सेल्वेज वैल्यू है उसको माइनस कर दिया जाएगा एवरेज निकालने के लिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी एंड में आपका अमाउंट आएगा एवरेज का उसमें सेल्वेज वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलेगा, फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूले को। देखिए यहाँ पे इस नोट्स के अंदर जो जो चीजें लिखी गई है वो सारी इंपॉर्टेंट है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही बस फोकस किया गया है, यहाँ पे हम जो भी नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं डिसीजन रूल की। तो देखिए इसके अंदर डिसीजन रूल आपका होता क्या है, एवरेज रेट ऑफ जो आपका रिटर्न होता है उसको आप प्री स्पेसिफाइड रेट से कंपेयर करते हैं, बिकॉज देखिए आपका जो ARR निकल रहा है वो एज अ परसेंटेज निकल रहा है, तो उसको आप प्री स्पेसिफाइड रेट से कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका ARR आया है अगर वो ग्रेटर है कंपेयर टू द स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकेंड, अगर आपका ARR कम है प्री स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न से रिजेक्ट कर देंगे। बहुत सिंपल सा रूल है, याद रखिए आप इसको। देखिए आपका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आया है वो ज्यादा है और यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया था कि हमें 10% चाहिए, रिटर्न आ गया 15%, तो आप सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपने
स्पेसिफाई किया था आपको रिटर्न चाहिए 15%, रिटर्न आया है 10%, आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर दो। तो यहाँ पे इस बेसिकली इसका सिंपल सा डिसीजन रूल है। तो यहाँ पे देखिए डिसीजन रूल बहुत सिंपल होते हैं अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ आ गया है उस मेथड का। आगे बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर होता क्या है, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट रिटर्न निकालते हैं जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है। दैट इज मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की, इनिशियल आउटले आपका 10 लाख रुपीज का रहा, आपको यहाँ पे बेसिकली जो भी रिटर्न्स आए हैं 10 इयर्स तक, मान लीजिए अगर उसकी 10 इयर्स तक लाइफ थी, 10 इयर्स तक जो भी रिटर्न्स आए हैं आप उन सभी को डिस्काउंट करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है 12 लाख रुपीज और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 10 लाख रुपीज की, तो आपका यहाँ पे एनपीवी कैसे आएगा, जो आपका यहाँ पे टोटल रिटर्न्स आए हैं उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू में से माइनस कर देंगे जो आपका आउटफ्लो रहा है। तो यहाँ पे जब उसका जो नेट वैल्यू निकालेंगे अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या करेंगे एनपीवी को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करेंगे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो, बिकॉज यहाँ पे आपका रिटर्न ही नेगेटिव है। तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाला जा रहा है इसको, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपका जो रिटर्न्स आए हैं उसमें से आप डायरेक्टली आपका आउटफ्लो माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो देखिए यहाँ पे याद रखिए इनफ्लोज में से आउटफ्लो माइनस करते हैं तभी तो आपका रिटर्न आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम रिटर्न देखते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि जो भी फ्यूचर में आपको इनफ्लोज होने वाले हैं, जो भी रिटर्न आने वाले हैं उसको आप डिस्काउंट करते हैं। तो देखिए आप ध्यान से देखें तो ये डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है सारा, तो यहाँ पे डिस्काउंट करके उसको लाके देखिए यहाँ पे एन क्यों लिखा गया है, जितने टाइम पीरियड का वो प्रोजेक्ट होगा उतने टाइम पीरियड तक के रिटर्न को आप डिस्काउंट करेंगे टू सारे रिटर्न्स को। तो ये हो गया आपका एनपीवी का फॉर्मूला। डिसीजन रूल आपके बारे डिसीजन रूल के बारे में हम बात कर चुके हैं, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, एनपीवी नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर देंगे। ड्रॉबैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए एनपीवी आईआरआर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, इन दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक कौन सा सुपीरियर है कौन सा इन्फीरियर है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और सब कुछ पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। तो अगर हम बात करें एनपीवी के ड्रॉबैक्स के बारे में तो इसमें क्या बोला गया है, इट रिक्वायर्स प्री डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की विच इज एन डिफिकल्ट टास्क। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर में आपको जो भी रिटर्न्स मिलने वाले हैं आप उन सभी को एज अ पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करेंगे, तो वो डिस्काउंट रेट आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आप 10% एज्यूम करके चल रहे हैं बट मान लीजिए इन फ्यूचर आपको उसको डिस्काउंट करना पड़ गया 15% या 20% से, तो आपका जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली हमें के को डिटरमाइन करना होता है, दैट इज डिस्काउंट रेट को डिटरमाइन करना होता है। तो डिस्काउंट रेट को आप अभी तो डिटरमाइन कर सकते हैं बट फ्यूचर में तो वो चेंज होगा ही होगा, तो इसको डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एनपीवी का। सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन अ वैल्यू विच इज एब्सोल्यूट मेजर। तो आपको पता है कि एनपीवी एक एब्सोल्यूट मेजर है, हेंस इट बिकम डिफिकल्ट टू कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे नाम से क्लियर है इंडेक्स, तो यहाँ पे हम करते क्या है, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर हम सिंपली ये करते हैं कि आपने 1 रुपये लगाए और 1 रुपये वो बाद में कितने हो गए, दैट इज वो 1 रुपये से 1.5 हो गया 1.6 हो गया। तो यहाँ पे 1 रुपी टर्म्स के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को एवेल्युएट करते हैं। कैसे किया जाता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, तो इसको आप याद रखिए। चलिए अब देखिए इसके अंदर फैक्चुअली आपसे क्या पूछा जा सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसके दो और नाम है, दैट इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, देखिए ये रेशियो का फॉर्मूला लग रहा है आपको कुछ इसी तरीके से होता है ये, और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों नाम को भी आप याद रखिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बेनिफिट पर रुपी इन्वेस्टेड इन द प्रपोजल, बेनिफिट पर रुपी 1 रुपये लगाने पे आपको कितना उस पर बेनिफिट हो रहा है ये कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर। डिसीजन रूल क्या होता है, मान लीजिए आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 रुपी से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 रुपी से कम है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। नाउ ये देखिए यहाँ पे एक और चीज गिवन है, एनपीवी एंड पीआई दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गिव द सेम डिसीजन, दैट इज एनपीवी से जो आपका डिसीजन रूल आता है और जो पीआई से आपका डिसीजन रूल आता है बिल्कुल सेम होता है, कॉन्ट्रेडिक्ट्री कभी डिसीजन नहीं देते ये दोनों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की।
अब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या है, देखिए पिछले वाले एक मेथड में हमने ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हमने क्या किया था, पेबैक पीरियड निकाला था सिंपली। तो यहाँ पे हमने पेबैक पीरियड का हमने किया क्या था, जो भी आपका रिटर्न आ रहा है वो कितने ईयर के अंदर ब्रेक इवन हो जा रहा है। दैट इज आपने यहाँ पे इनिशियल आउटले 1 लाख रुपीज लगाया और आपको यहाँ पे 20,000 रुपीज पर ईयर मिल रहे हैं फॉर 6 ईयर्स, तो आपको टोटल कितना मिल रहा है 1,20,000। बट आपका ब्रेक इवन कब हो रहा है, 5 ईयर्स के अंदर आपको ब्रेक इवन हो रहा है विद द इनिशियल आउटले। तो यहाँ पे आपका पे बैक पीरियड कितना आ रहा था, 5 ईयर। बट यहाँ पे हम डिस्काउंट नहीं कर रहे थे उसके, तो यहाँ पे वो बहुत बड़ी लिमिटेशन थी उस मेथड की। तो यहाँ पे एक मेथड आया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, दैट इज आपको यहाँ पे 20,000 रुपीज 6 ईयर्स तक मिल तो रहे हैं, बट उसके अगर प्रेजेंट वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज इनिशियल आउटले से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं उसको आप डिस्काउंट कीजिए। तो यहाँ पे पहले हम डिस्काउंट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको कंपेयर करते हैं विद द इनिशियल आउटले। तो ये भी बिल्कुल सिंपल उसी के तरीके से ही है, कोई नया मेथड नहीं है, बस इसके अंदर डिस्काउंटिंग का आपको यूज करना है। अब देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, इट डज नॉट कंसीडर सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि हम केवल ब्रेक इवन की बात करते हैं कि कितने सालों में आपका जो इनिशियल आउटले के साथ आपका रिटर्न्स है वो ब्रेक इवन हो जा रहे हैं, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। बट यहाँ पे हम सब्सिक्वेंट कैश फ्लो जो होने वाले हैं आपको इन फ्यूचर उसको कंसिडर नहीं किया जाता, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। डिसीजन रूल देखिए, यहाँ पे बेसिकली आपका सेम डिसीजन रूल होगा जो पिछली बार हमने ट्रेडिशनल मेथड के अंदर किया था, बहुत ही सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए आपको पता होगा कि एनपीवी एंड आईआर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका आईआरआर क्या होता है, आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिसपे आपका एनपीवी जीरो हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए आप इसको, एक ऐसा डिस्काउंट रेट जिसपे आपका एनपीवी जीरो हो जाता है। ओके तो देखिए आईआरआर के अंदर हम करते क्या है, आईआरआर के अंदर हम दो डिस्काउंट रेट लेते हैं, एक हायर होता है एक लोअर रहता है, और उसके बाद क्या करते हैं दोनों डिस्काउंट रेट से हम क्या करते हैं जो आपके इनफ्लोज है उनको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं, और आपका इनिशियल आउटले के साथ क्या करते हैं उसको कंपेयर करते हैं। अगर आपका इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करने के बाद वो जीरो हो जा रहा है तो यहाँ पे आपका वो आपका आईआरआर हो जाएगा। बट यहाँ पे एग्जैक्टली तो आप नहीं पता कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। उसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है आपका इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बिकॉज आप एक बार में तो एकदम हिट नहीं कर सकते कि आपका एक डिस्काउंट रेट आपने लिया और उस पर डायरेक्टली आपका एनपीवी जीरो हो गया, तो इसलिए हम इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपका है क्या, देखिए ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये होता है आपका लोअर रेट, दैट इज लोअर डिस्काउंट रेट। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, जो भी आपकी वैल्यू आई है, जो भी आपका एनपीवी आया है एट लोअर डिस्काउंट रेट, इसके बाद आपका यहाँ पे एनपीवी जो आपका लोअर डिस्काउंट रेट पे आया है उसमें से आप माइनस कर देते हैं जो भी आपका एनपीवी आया है एट हायर डिस्काउंट रेट, और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ गया, हायर रेट माइनस लोअर रेट, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे अपने लोअर डिस्काउंट रेट पे, यहाँ पे जो आपका एनपीवी आया है उससे आपने हायर डिस्काउंट रेट पे आने वाले एनपीवी को क्यों माइनस किया है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, ए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, और बी का क्या मतलब है यहाँ पे, एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट। ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज देखिए लोअर डिस्काउंट रेट पे जो आपका एनपीवी आता है वो हायर आता है, और हायर डिस्काउंट रेट पे आपका एनपीवी जो आता है वो लोअर आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोअर डिस्काउंट रेट के एनपीवी से हायर डिस्काउंट रेट के एनपीवी को माइनस करते हैं, तो ये वैल्यू जो इसके अंदर आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। चलिए तो ये था इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से, और देखिए यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, बिकॉज देखिए एक रिवीजन वीडियो है, इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे तब भी यहाँ पे हमें 12 से 15 घंटे का टाइमिंग चाहिए पूरा, बट यहाँ पे हम उसको 1 से 2 घंटे के अंदर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, और इसके बाद इसके बेसिस पे आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कैपिटल बजटिंग के अंदर आईआरआर बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए डिसीजन रूल क्या होता है इसके अंदर, तो देखिए डिसीजन रूल के अंदर क्या बोला गया है, फर्म विल डिटरमाइन इट्स ओन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के, तो फर्म क्या करेगी अपना खुद का एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालेगी कि उसको कितना चाहिए, ये कैसे इसका बेसिस क्या हो सकता है कि उसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पड़ी है। मान लीजिए उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ी है 8%, तो उसका ऑब्वियस है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 9% हो सकता है, 10% हो सकता है, तो इसको बेसिकली जो भी उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको कट ऑफ रेट या हर्डल रेट भी कहा जाता है।
ये बेसिकली आपसे फैक्चुअली पूछा जा सकता है कि जो भी कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको और भी क्या कहा जाता है, कट ऑफ रेट भी कहा जाता है उसको और हर्डल रेट भी कहा जाता है। दैट इज इतना रिटर्न तो कंपनी को मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इसके ऊपर जितना रिटर्न मिल सकता है वो कंपनी अपना मार्जिन लेके चलेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो भी आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको IRR से कंपेयर करते हैं, उसके बाद अगर आपका IRR ग्रेटर है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर आपका IRR कम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, आपको बस कंसेप्ट समझना है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं, दोनों प्रोजेक्ट बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ पे आप कैसे डिसीजन लेंगे। प्रपोजल विद हाइएस्ट IRR इज गिवन टॉप प्रायोरिटी, तो जिस प्रपोजल का हाइएस्ट IRR होगा उसको हम टॉप प्रायोरिटी देंगे। ड्रॉबैक्स इसके क्या होते हैं, देखिए इन्वॉल्व टीडियस एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रायल एंड एरर मेथड। तो देखिए आपको पता होगा कि IRR के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से IRR को कैलकुलेट किया जाता है जिसपे NPV हमारा जीरो हो सके। अब देखिए यहाँ पे NPV जीरो निकालना अलग चीज है, जिस पे हम जीरो करते हैं वो तो आपका एग्जैक्ट IRR होता है, बट मान लीजिए किसी भी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उस पे जो रिटर्न आ रहा है उससे डिस्काउंट करने के बाद जो आपका रेट ऑफ रिटर्न आता है वो आपका एग्जैक्ट IRR होता है और उसको कंपेयर करते हैं तब आपका यहाँ पे डिसीजन रूल आता है। देखिए आपका मान लीजिए IRR आ रहा है 15% और आपका रिक्वायरमेंट कितनी की थी, 12% की थी, तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज देखिए आपकी रिक्वायरमेंट 12% रिटर्न की थी बट IRR आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे 15%, तो आप सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है IRR मेथड की, और ये लिमिटेशन है क्या, देखिए IRR techniques implies assumption that future cash inflow of a proposal are reinvested at a rate equal to IRR. IRR assume क्या करके चलता है, यहाँ पे basically जो भी future cash inflows होंगे किसी भी proposal के वो reinvest हो जाएंगे at the rate equal to IRR. तो यहाँ पे basically हम ये assume करके चलते हैं कि IRR का जो rate है, मान लीजिए IRR का rate है 15% और यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी फ्यूचर में इन्फ्लोज हो रही है वो 15% पे री इन्वेस्ट होती जा रही है, बट मार्केट में मान लीजिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग चल रहा हो तो यहाँ पे आपका जो प्रपोजल है वो एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाएगा कि कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है IRR मेथड की। द री इन्वेस्टमेंट रेट में भी डिफरेंट, अब मान लीजिए आपका IRR आया 15% तो आपको लग रहा है कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के अंदर चल रहा होगा, बट मान लीजिए मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 12%, तो ये आपके री इन्वेस्टमेंट के अजम्पशन बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक का काम करती है इस मेथड के अंदर। NPV वर्सेस IRR की बात कर लेते हैं कि NPV वर्सेस IRR में कौन सा सुपीरियर है कौन सा इंफीरियर है। तो देखिए IRR में भी कंसिडर्ड सुपीरियर टू NPV इफ, तो देखिए कुछ सिचुएशंस के अंदर IRR को सुपीरियर माना जाएगा NPV के ऊपर और कुछ सिचुएशन के अंदर NPV को सुपीरियर माना जाएगा IRR के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस गिवन है, उन सिचुएशन के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें IRR मेथड का यूज करना चाहिए प्रोजेक्ट इवेल्युएशन के लिए या NPV मेथड का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली रीजन क्या की गिवन है, कौन से केसेस के अंदर IRR को सुपीरियर माना जाएगा NPV के। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, IRR गिव परसेंटेज रिटर्न व्हाइल NPV गिव एब्सोल्यूट रिटर्न। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जो IRR मेथड होता है ये परसेंटेज में रिटर्न बताता है बट NPV आपका एब्सोल्यूट रिटर्न्स बताता है। तो देखिए एब्सोल्यूट टर्म्स के रिटर्न पे आप एग्जैक्ट जजमेंट नहीं दे सकते कि यहाँ पे आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, बट IRR जो होता है आपका ये आपको क्या बताता है, परसेंटेज रिटर्न बताता है, दैट इज आपको ए प्रोजेक्ट से कितने परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, बी प्रोजेक्ट से कितने परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। तो इसके बेसिस पे आप एग्जैक्ट डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकेंड आपका, फॉर IRR द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट अ प्री रिक्विजाइट व्हाइल NPV इट इज मस्ट। तो NPV के लिए ये जरूरी है कि आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता हो, बिकॉज देखिए आपको पता है कि NPV के अंदर क्या करते हैं, जो भी आपको फ्यूचर में इन्फ्लोज होने वाले हैं उसको आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए, बट IRR के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, आपका IRR सुपीरियर है NPV से, तो ये दोनों सिचुएशन के अंदर IRR को सुपीरियर माना गया है NPV से। सेकेंड, NPV को कब सुपीरियर माना जा सकता है IRR से, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, NPV गिव क्लियर कट एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर देखते हैं हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो आपका इन्फ्लोज होने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू
जो आपका आउटफ्लोज होने वाला है उससे ज्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली एक क्लियर कट डिसीजन दे देता है यहाँ पे कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एनपीवी आपका पॉजिटिव है कि नहीं है। तो ये सिंपल से यहाँ पे डिसीजन दे देता है। बट आईआरआर के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं, उसके बेसिस पे रिटर्न निकालते हैं, फिर अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आईआरआर। तो यहाँ पे बेसिकली इस केस में हम क्या करेंगे, एनपीवी को सुपीरियर मानेंगे। सेकंड, एनपीवी एडिटिव होता है बट आईआरआर एडिटिव नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आप परसेंटेज को ऐड नहीं कर सकते बट आप एनपीवी दैट इज आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड केस, इस केस में आपका एनपीवी को सुपीरियर माना जाएगा। तो ये चारों के चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आपसे आप मान लीजिए क्वेश्चन में अंदर ये पूछा जाता है कि एनपीवी कौन से केस में सुपीरियर होगा, आईआरआर कौन से केस में सुपीरियर होगा, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं अगर आपको इन दोनों मेथड के बारे में अच्छे से पता है, तो आप यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हैं। देखिए आपको सिंपल से इनके बारे में पता ही होगा कि बेसिकली आप जब मेथड पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आईआरआर परसेंटेज टर्म में होता है, एनपीवी एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर होता है। आईआरआर के अंदर हमें कोई भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनपीवी के अंदर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं अगर आपको मेथड की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो आगे बढ़ते हैं, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर क्या बोला गया है, देखिए अभी हमने बात की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर एक री इन्वेस्टमेंट रेट की एजम्पशन होती है, वो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है आईआरआर की। तो यहाँ उसको ओवरकम करने के लिए एक नया मेथड लाया गया, दैट इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें क्या बोला गया है, एमआईआरआर ओवरकम्स द शॉर्ट कमिंग ऑफ IRR method. तो यहाँ पे basically क्या बोला गया, the basic assumption of IRR technique is implied reinvestment rate assumption. तो ये आपकी IRR की limitation थी, shortcoming थी. In case of MIRR, the assumption is that all intervening cash inflows over the life of project are reinvestment at a rate equal to required rate of return. तो यहाँ आपसे क्या बोला गया कि हमें यहाँ पे reinvestment rate को assume नहीं करके चलना, but यहाँ पे हम बस ये देख लेंगे कि जो आपका reinvestment rate होगा वो company के required rate of return के equal होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसी के साथ आप उसको आईआरआर को कैलकुलेट कर लेंगे फॉर रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट की रिमेनिंग लाइफ है उसके लिए। तो यहाँ पे उसको ओवरकम करने के लिए MIRR को डेवलप किया गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, MIRR के लिए बस आप ये याद रखिए कि जो आपका रीइन्वेस्टमेंट रेट की एजम्पशन है उसको ये ओवरकम करता है, और यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसी को आपका रीइन्वेस्टमेंट रेट ले लिया जाता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट बस इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, डिसीजन रूल। अगर आपका MIRR ग्रेटर देन और इक्वल टू है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को, अगर आपका MIRR रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है तो आप रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल सा, बेसिक सा, और यहाँ पे सेम रूल है। तो आपका यहाँ पे कैपिटल बजटिंग खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इन सभी की जो कॉस्ट पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को, उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली फॉर्मूला देखेंगे इसके अंदर कि क्या क्या फॉर्मूला यूज किए जाते हैं सो दैट आप यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, इक्विटी शेयर कैपिटल की, बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, दैट इज इसको डिबेंचर्स भी कहा जाता है, डेप्ट भी कहा जाता है। तो इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इनको दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। सबसे पहले आपका परपेचुअल डेप्ट, सेकेंड आपका रिडीमेबल डेप्ट। तो ये परपेचुअल डेप्ट क्या है, रिडीमेबल डेप्ट क्या है। परपेचुअल डेप्ट वो डेप्ट होते हैं जिसकी कोई टर्मिनल वैल्यू नहीं होती, रिडीमेबल वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे केवल आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। सेकेंड रिडीमेबल डेट, यहाँ पे क्या होता है आपको इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही है एनुअली, इसके साथ साथ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको यहाँ पे उसको रिडीमेबल वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है। तो ये दोनों डिफरेंस है इनके अंदर। तो देखिए यहाँ पे परपेचुअल डेट के अंदर हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे होता है आपका कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू जो भी आप एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड्स के साथ, दैट इज आपको जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसको इश्यू करने से। ये आपका परपेचुअल डेट हो गया। सेकेंड रिडीमेबल डेप्ट, तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि रिडीमेबल डेप्ट क्या होते हैं, बेसिकली जिसके अंदर हमें एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन भी हमें पेमेंट करनी होती है और इससे पहले आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आप एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे 1+KD से
और यहाँ पे आपका जो टर्मिनल वैल्यू दैट इज कैश फ्लो एट द एंड मैच्योरिटी पे जो आपको कैश फ्लो हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे ये एन स्पेसिफाई करेगा कितना टाइम पीरियड है, दैट इज मान लीजिए 15 साल बाद उसकी मैच्योरिटी आई है, तो यहाँ पे एन आपका हो जाएगा 15। तो इस तरीके से यहाँ पे पर रिडीमेबल डेप्ट की वैल्यू निकाली जाती है। तो सिंपल से फॉर्मूला यहाँ पे आपका बीओ क्या डिटरमाइन कर रहा है, नेट प्रोसीड्स आपको कितने हुए हैं। यहाँ पे ये केडी कैसे निकलता है, देखिए केडी आपका होता है कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करते हैं, ये आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसके बेसिस पे देख सकते हैं, इसको फॉर्मूला याद रखिए, आप इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो अभी हमने बात की डेप्ट की, अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। तो देखिए यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती हैं, प्रेफरेंस शेयर आपके रिडीमेबल हो सकते हैं या इरिडीमेबल हो सकते हैं। अगर वो इरिडीमेबल है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल्स टू जो भी आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड्स के साथ, तो ये आपका हो गया इरिडीमेबल का फॉर्मूला। सेकेंड, अगर रिडीमेबल है तो आपको उसको टर्मिनल वैल्यू भी पे करनी पड़ेगी, दैट इज ऑन मैच्योरिटी या एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का जो टोटल अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, देखिए यहाँ पे आपका पीओ स्पेसिफाई करता है नेट प्रोसीड्स क्या है जो भी अपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे केपी क्या डिटरमाइन करता है, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप जब पे करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका प्रेफरेंस डिविडेंड ऊपर रहेगा, और यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू दैट इज आप ऑन द मेच्योरिटी आप कितना अमाउंट पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये आएगा, और यहाँ पे आपका कितने टाइम पीरियड के लिए वो इशू हुआ था। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे बस आपको। इसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, अब यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, तो इसके अंदर पांच मेथड्स है। पहला जीरो ग्रोथ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड दे रही है पर उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, बस यहाँ पे बस डिविडेंड का एब्सोल्यूट अमाउंट आपको बता दिया जाता है कि कितना डिविडेंड मिलेगा, तो ये आपका जीरो ग्रोथ डिविडेंड है। सेकंड कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के अंदर कांस्टेंट ग्रोथ दैट इज 5% हो सकता है या 10% हो सकता है, वो कांस्टेंट है, तो ये केस हो सकता है। वेरिंग ग्रोथ रेट, अगर आपका डिविडेंड का ग्रोथ रेट वेरी कर रहा है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इससे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं, तो हम इसको स्किप करेंगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इसका प्रोसीजर। नाउ इसके बाद आपका जीरो डिविडेंड, अगर कंपनी कोई डिविडेंड नहीं पे कर रही है, यहाँ पे बेसिकली कंपनी क्या करती है बस डिविडेंड इश्यू करती है और यहाँ पे रिडम्पशन के टाइम पे उसको रिडीम कर देती है, आपको केवल कैपिटल गेन होता है इस पे और यहाँ पे आपको कोई भी कैश फ्लो नहीं होता है डिविडेंड के फॉर्म में। इसके बाद आपका लास्ट में आता है कैपम मेथड, कैपम मेथड क्या होता है, यहाँ पे मार्केट रिस्क प्रीमियम के बेसिस पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। जीरो ग्रोथ डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अभी आपको डिविडेंड मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर, D1 आपका स्पेसिफाई क्या करता है कि जो भी आपको नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मिलने वाला है उसको डिवाइड कर देंगे आप जो भी आपको यहाँ पे कंपनी का मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का, तो उससे डिवाइड करने से आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट आ जाएगी। कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस कितना चल रहा है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, और इसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड मिलने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कैसे डिटरमाइन होता है, जो आपका करंट डिविडेंड रहा है उसके अंदर कुछ ग्रोथ रेट होगी तो उस ग्रोथ रेट को ऐड कर देंगे तो आपका D1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ D1 कैसे निकाल सकते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसमें से माइनस कर देंगे आप ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे जब फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए या तो आपको मार्केट प्राइस निकालने को बोला जा सकता है या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने को बोला जा सकता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपको एक चीज़ गिवन है तो आप दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ये है सिंपल सा। और देखिए कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट के बेसिस पे पास्ट ईयर के अंदर कई सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप इसको अच्छे से याद रखिए, और देखिए इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन भी कर लेते हैं सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको दे रखा है करंट डिविडेंड क्या है 15%, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आपको गिवन है 100 रुपीज पर शेयर जो उसकी फेस वैल्यू है, इसके बाद ग्रोथ रेट आपको 12% का गिवन है, मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 168 रुपीज, और आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस आपने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है नेक्स्ट ईयर वो आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। अब देखिए इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 168 रुपीज, डिविडेंड आपने करंट ईयर में कितना दिया था 15 रुपीज, इसके अंदर कुछ ग्रोथ है दैट इज 12%, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16.8। यहाँ पे देखिए आप इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप ले आए और यहाँ पे केई को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हैं, और देखिए यहाँ पे आपका इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें, और ये आपके कैलकुलेट करके आ रही 0.22।
थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है कैलकुलेशन में, बट आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए। आपका करेक्ट आंसर कितना है 22%। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, बट आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ओके, जीरो डिविडेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला, करंट मार्केट प्राइस क्या है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड रखिए, जो भी टर्मिनल दैट इज ऑन मैच्योरिटी कितना मिलेगा अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर को, वो हो गया डिवाइड बाई 1+KE। ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ पे ये क्या है, एन क्या है, टाइम पीरियड। तो इसके बेसिस से आप निकाल सकते हैं अगर कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है। तो फॉर्मूले आपको सारे पता होने चाहिए, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए लास्ट है आपका कैपम, कैपम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैपम के बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट के अंदर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। कॉन्स्टेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट और इसके साथ साथ कैपम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके फॉर्मूले आपको पक्का पता होने चाहिए। कैपम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाती है, ये एक्सपेक्टेड होता है, एक्चुअल नहीं होता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड निकाला जाता है। तो यहाँ पे होता है आपका रिस्क फ्री रेट कितना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्लस यहाँ पे बीटा होता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क, इसके बाद यहाँ पे आपका मार्केट रेट क्या है, इसमें से आप रिस्क फ्री रेट माइनस कर देंगे, तो इसके बेसिस पे आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड थे, रिटेन अर्निंग फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि आपको रिटेन अर्निंग की कॉस्ट कैसे निकालनी चाहिए, सेकेंड जनरली फॉलो क्या किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो पहले क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फॉरगॉन डिविडेंड। तो देखिए रिटेन अर्निंग होती किसकी है, वो किसको बिलोंग करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे बेसिकली अगर उनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा तो वो रिटेन करके कंपनी रख लेगी, तो वो रिटेन अर्निंग्स हो जाएगी कंपनी की। तो यहाँ पे अगर डिविडेंड नहीं दिया गया तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेसिकली जो कंपनी है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिटरमाइन किया है कंपनी ने उसको माना जाना चाहिए एज अ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो ये बोला गया है कि इस तरीके से किया जाना चाहिए, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिटरमाइन कैसे किया जाए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर जनरली क्या फॉलो किया जाता है। तो यहाँ क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ रिटेन अर्निंग इज ऑफन टेकन एज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर की जो कॉस्ट आ रही है यहाँ पे रिटेन अर्निंग को उसके इक्वली फॉलो किया जाता है, उसके इक्वली कंसिडर किया जाता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज देखिए रिटेन अर्निंग एक्चुअली बिलोंग किसको करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए रिटेन अर्निंग की कॉस्ट इक्विटी शेयर की कैपिटल की इक्वली कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि किसके इक्वल कंसिडर किया जाना और किसके इक्वल कंसिडर किया जाता है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आपका आएगा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपके सोर्सेस होते हैं, आपने कहाँ कहाँ से फंड रेज किया है और इसके बाद उसके वेट कितने हैं। अब देखिए मान लीजिए आपने प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड डेप्ट, इन तीनों सोर्सेज से इशू किया है। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस शेयर से इशू किया है, 50% फाइनेंसिंग आपने प्रेफरेंस शेयर से की है, 30% फाइनेंसिंग आपने इक्विटी शेयर से की है, और डेप्ट से आपने फाइनेंसिंग जो की है वो की है 20%। तो ये आपकी 100% फाइनेंसिंग इस तरीके से हुई है। अब मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट है वो है 10%, इक्विटी शेयर की है 15% एंड डेप्ट की कितनी है मान लीजिए 8% है। तो यहाँ पे आप वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ पे देखिए 50% का क्या होगा, 0.5 × 10, यहाँ पे हो जाएगा 0.3 × 15, यहाँ पे आ जाएगा 0.2 × 8, इसको आप यहाँ पे टोटल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और इसके बेसिस पे आपसे पार्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीवरेज एनालिसिस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, तो इनसे आपसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो हम इनको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीवरेज का मतलब क्या होता है। लीवरेज रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स। सो दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जो इंटर रिलेटेड हैं आपस के अंदर, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको कहा जाता है लीवरेज। नाउ फॉर अ बिजनेस फर्म वेरिएबल्स में भी, एक बिजनेस फर्म के लिए वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वेरिएबल्स हो सकता है कॉस्ट, आउटपुट, सेल्स रेवेन्यू क्या है, ईबीआईटी क्या है, ईपीएस क्या है, तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। या देखिए कॉस्ट के बेसिस पे आउटपुट का कोई रिलेशनशिप निकालना हुआ, आउटपुट के बेसिस पे सेल्स रेवेन्यू का, ईबीआईटी के बेसिस पे ईपीएस का, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, लीवरेज एनालिसिस का यूज करते हैं।
In financial analysis, leverage refers to influence of one financial variable over some other financial variable. तो एक financial variable का impact दूसरे financial variable पे कितना पड़ेगा, ये हम study करते हैं leverage analysis के अंदर. Leverage का यहाँ पे formula क्या given है? Percentage change in dependent variable over percentage change in independent variable. तो यहाँ पे देखिए percentage change निकाला जा रहा है. तो यहाँ पे इसको कैसे रखा गया है, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. आपने रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर देखा होगा कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे होता है आपका y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो यहाँ पे ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. ये थोड़ा सा अलग है उससे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर रख के वैल्यू उसको निकाला जाता है. टाइप ऑफ लीवरेज की अगर बात करें, यहाँ पे तीन टाइप के लीवरेज होते हैं. सबसे पहला होता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, सेकंड आपका फाइनेंशियल लीवरेज, और थर्ड होता है आपका कंबाइंड लीवरेज. कंबाइंड लीवरेज दोनों का कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं है. अब यहाँ पे इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसके फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकाला कैसे जाता है. उससे पहले आप ये समझिए कि कंपनी की कोई भी कॉस्ट शीट है या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जनरल कैसे प्रिपेयर किया जाता है इन जनरल. तो देखिए अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारी सेल्स कितनी की हुई, उसमें से हम अपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं. वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन. दैट इज यहाँ पे बेसिकली ये जो आपका अमाउंट आया है ये स्पेसिफाई करता है कि आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड द फिक्स्ड कॉस्ट. यहाँ पे आपने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट माइनस किया, आपका आ गया EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यहाँ पे जो आपकी अर्निंग है इसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है, तो इसको बोला जाता है EBIT. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू से EBIT कैसे निकाला जाता है. सेकेंड, अब EBIT में से EPS कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कुछ इस तरीके का मेथड फॉलो किया जाता है. और वो क्या है, देखिए सबसे पहले आपका ऊपर आ गया EBIT, इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से आप टैक्स माइनस करेंगे तो आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना नेट प्रॉफिट बचा है वो आपका आ गया यहाँ पे सब कुछ माइनस करने के बाद. इसके अंदर से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं कंपनी के उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका ईपीएस आ जाएगा, दैट इज अर्निंग पर शेयर. तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बचा है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो आपका आ जाएगा 60 पर शेयर. देखिए आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है, आप इसको देख सकते हैं. अब यहाँ पे इसको समझाने का मतलब क्या था, सो दैट आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो चलिए समझते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज की. तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या शो करता है, व्हेन सेल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द ईबीआईटी आल्सो चेंजेस. तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि सेल्स से बेसिकली ईबीआईटी निकलता है, तो अगर सेल्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो ईबीआईटी में भी चेंजेस आएंगे. तो यहाँ पे बेसिकली उसी को मेजर करता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज. ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर्स द चेंज इन द ईबीआईटी ड्यू टू चेंजेस इन सेल्स रेवेन्यू. तो ईबीआईटी के अंदर कितना चेंज आएगा सेल्स रेवेन्यू के अंदर चेंज आने से, ये आपका मेजर करता है ऑपरेटिंग लीवरेज. ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंजिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंजिंग सेल्स रेवेन्यू. तो सिंपल सा फॉर्मूला, देखिए अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आपके लिए वो ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. सेकेंड, फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज इन ईपीएस टू द चेंज इन ईबीआईटी. अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, ईबीआईटी से ईपीएस निकाला था, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ईपीएस में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी, ये कौन कैलकुलेट करता है, फाइनेंशियल लीवरेज. तो सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस, तो सारी की सारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है, इसके बेसिस पे आपका ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट किया जाता है. बहुत सिंपल सा है. देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ओवर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. तो यहाँ पे जैसा फॉर्मूला ऑपरेटिंग लीवरेज का है वैसा ही फॉर्मूला फाइनेंशियल लीवरेज का है. कंबाइंड लीवरेज की अगर हम बात करें तो दोनों फॉर्मूला को एक साथ रखिए आप, ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है, ये आपका फाइनेंशियल लीवरेज है, मल्टीप्लाई कीजिए. देखिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ओवर परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ओवर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपका फाइनेंशियल लीवरेज है. यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपका यहाँ से कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ओवर परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो यही फॉर्मूला आपका कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है. बहुत सिंपल सा है अगर आपको दोनों कंसेप्ट पता है तो.
तो ये तो था आपका लीवरेज एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर चेंज आने से वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर क्या चेंज आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जहां पे डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है। दैट इज आपने 40% डेब्ट 60% इक्विटी कंसीडर किया है, या 60% डेब्ट 40% इक्विटी कंसीडर किया है, या कोई पर्टिकुलर रेशियो है उसका। तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है यूज बाय द कंपनी टू फाइनेंस इट्स ओवरऑल ऑपरेशन। तो सारी ओवरऑल ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स कैसा है, दैट इज उसमें कितना डेब्ट है, कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस है। तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। थ्योरीज का क्या गिवन है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए? तो सबसे पहले आपका नेट इनकम अप्रोच, सेकंड होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमएम अप्रोच, दैट इज मोदी ग्लानी मिलर मॉडल। सबसे पहले हम बात करेंगे नेट इनकम अप्रोच की। तो अगर हम बात करें नेट इनकम अप्रोच की, तो इसको दिया किसने था? डेविड ट्यूरल ने। तो ये नाम से पूछा जा सकता है। स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। यहाँ पे ये रेलेवेंस थ्योरी है, दैट इज देखिए हमने यहाँ पे अभी बात की थी कि कौन सी रेलेवेंट थ्योरी होती है, कौन सी इररेलेवेंट थ्योरी है। तो यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच ये कहता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ये बेसिकली आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे इसको रेलेवेंट थ्योरी के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें से कौन सी रेलेवेंट थ्योरी है, कौन सी इररेलेवेंट थ्योरी है। तो देखिए ये वाली आपकी रेलेवेंट थ्योरी है, ये वाली आपकी इररेलेवेंट थ्योरी है। ये आपको कहता है कि एक ऑप्टिमम लेवल होता है जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपकी कॉस्ट कम होती है, उसके बाद बढ़ने लग जाती है। तो ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ये डायग्राम याद रखिए आप अच्छे से। मोदी ग्लानी मिलर ने NOI अप्रोच को जस्टिफाई किया था। तो ये आपको इररेलेवेंट के अंदर हम इसे रखेंगे। तो देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर ये कहा गया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैसा है, इससे बेसिकली आपको आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा जस्टिफिकेशन उसका नहीं दिया था, बट मोतीलाल मिलर मॉडल ने यहाँ पे उसका जस्टिफिकेशन दिया था आर्बिट्राज मेथड के बेसिस पे। उन्होंने बताया था कि आर्बिट्राज करके कैसे जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इफेक्ट नहीं होती है। एजम्पशंस देख लेते हैं। तो देखिए नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इन सभी के एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला एजम्पशन क्या है? द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट। तो फर्म की टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है वो कांस्टेंट रहेगा। कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमेशा कम होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। आपको भी पता होगा कि डेब्ट की जो कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉन्स्टेंट रहेंगे। इसका रेलेवेंस क्या है यहाँ पे? मीन्स मोर एंड मोर डेब्ट फाइनेंसिंग डज नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप जितना ज्यादा डेब्ट इशू करेंगे इसके बेसिस पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क है वो बढ़ेगा नहीं, इसको कांस्टेंट माना गया है। बट ऐसा होता नहीं है जनरली, बिकॉज देखिए आपको पता होगा कि कंपनी ज्यादा ज्यादा डेप्ट लेती जाएगी तो बहुत ज्यादा डेप्ट बर्डन बढ़ जाएगा, तो कंपनी का रिस्क बढ़ता है। और जब कंपनी का रिस्क बढ़ता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा डिमांड करते हैं। बिकॉज वो क्या कहेंगे, ये कंपनी रिस्क की है, तो यहाँ पे वो कंपनी से रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ये एजम्पशंस थोड़ा क्या करते हैं, ये बेसिकली मॉडल्स को या इन थ्योरीज को वीक बना देते हैं थोड़ा, बिकॉज ये एज्यूम करके ही बनी है ये थ्योरीज। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ फर्म पे। द फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट एंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। तो यहाँ पे इररेलेवेंट है और ये वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करती। एजम्पशंस क्या कहें, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO ऑफ द फर्म इज कॉन्स्टेंट। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना कॉन्स्टेंट ही रहती है, तो यहाँ पे उसको फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये बेसिकली जस्टिफाई हो जाता है इसके बेसिस पे। द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज ऑल्सो टेकन एज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कॉन्स्टेंट माना गया है। यूज ऑफ मोर एंड मोर डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया, ज्यादा ज्यादा आप डेब्ट इश्यू करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों है? देखिए आप ज्यादा डेब्ट इश्यू करेंगे बिकॉज डेब्ट सस्ता पड़ रहा है। आप सस्ते के चक्कर में क्या करेंगे, ज्यादा डेब्ट इश्यू करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहेंगे, कंपनी रिस्की हो चुकी है बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा डेब्ट इशू कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो बढ़ा देंगे। तो आप एक तरीके से अपनी कॉस्ट कम कर रहे हैं और इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो एक्चुअली जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम ही रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं होता। तो ये कुछ इररेलेवेंट एजम्पशंस थी इन सब थ्योरीज की। तो आप इन थ्योरीज के एजम्पशंस को याद रखिए, आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये पेपर के अंदर। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में आते हैं, यहाँ बात करते हैं। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच,
डेप्थ शुड एग्जिस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक इशू होना चाहिए। देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने क्या कहा कि आप ज्यादा डेप्थ इशू करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का रिस्क बढ़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे अपनी कॉस्ट को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो आप कम रेट पे डेप्थ इशू कर रहे हैं उसके बेनिफिट को यहाँ पे महंगी इक्विटी जो है उसको हटा देगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कोई फायदा नहीं होगा। बट यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि आप डेप्थ इशू कीजिए बट एक ऑप्टिमम लेवल तक, उसके बाद आप अगर ज्यादा डेप्थ इशू करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। तो बिल्कुल सही बोला गया इसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आप ऐसे डेप्थ इशू कर रहे हैं तो देखिए आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये KO है, तो यहाँ पे आने के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ तक रुकी बिकॉज आप ज्यादा से ज्यादा डेप्ट इशू करे जा रहे हैं। इसके बाद आप क्या होगा कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा डिमांड करने लगेंगे कि कंपनी रिस्की होती जा रही है और हमारे रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाइए, तो यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने लग जाएगी। तो इसलिए आपको इस लेवल तक आना है, इसके बाद आपको डेप्ट और इशू नहीं करना है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बोला गया था। आगे बढ़ते हैं MM मॉडल। ये बेसिकली बस आपको ये याद रखना है, आर्बिट्राज वगैरह इसके अंदर हम नहीं समझेंगे। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि पेपर में के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन है NOI अप्रोच का। NOI अप्रोच के अंदर क्या बोला गया था कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है वो इररेलेवेंट होता है वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है वो अफेक्ट नहीं करता कंपनी की फर्म की वैल्यू क्या होगी। MM मॉडल शो दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बेसिकली इसको कैसे बोला गया, यहाँ पे उन्होंने एक आर्बिट्राज मॉडल बताया कि आर्बिट्राज के बेसिस पे कैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म इफेक्ट नहीं होती है। चलिए आगे बात करते हैं एजम्पशंस की। तो इनकी कुछ एजम्पशंस भी थी। तो देखिए हर एक थ्योरी के पीछे कुछ एजम्पशंस होती हैं। तो एजम्पशन क्या क्या थी, द कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट एंड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल द इन्वेस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैपिटल मार्केट को यहाँ पे परफेक्ट माना गया है और यहाँ पे ये बोला गया है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है इन्वेस्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सिक्योरिटी आर इनडेफिनेटली डिविजिबल, सिक्योरिटी डिविजिबल होती है। इन्वेस्टर्स रैशनल होते हैं एंड वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, कोई टैक्स नहीं होता। पर्सनल लीवरेज एंड कॉर्पोरेट लीवरेज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो पर्सनल लीवरेज और कॉर्पोरेट लीवरेज, यहाँ दैट इज आप पर्सनल कितना डेप्ट इशू कर सकते हैं और यहाँ पे आप कॉर्पोरेट डेप्ट कितना इशू कर सकते हैं, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। तो ये था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन की। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर आपके क्या क्या आते हैं, वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, रेजिडुअल थ्योरी एंड MM मॉडल। तो MM मॉडल सेम ही है इसके अंदर भी। यहाँ क्या बोला गया देखिए, यहाँ पे वॉल्टर्स एंड गॉर्डन मॉडल ये कहते हैं कि बेसिकली आप डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये आपको, ये आपकी फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे रेजिडुअल थ्योरी एंड MM मॉडल ये कहते हैं कि आप डिविडेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे ये आपकी फर्म की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्टर्स का एंड गॉर्डन्स का। तो यहाँ क्या बोला गया वॉल्टर्स मॉडल के अंदर, डिविडेंड पॉलिसी हैज अ बियरिंग ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की क्या है, ये हमारे मार्केट प्राइस को अफेक्ट करती है। तो यानी कि ये रेलेवेंट थ्योरी है। इसके अंदर एजम्पशंस क्या क्या है, ऑल प्रपोजल्स ऑफ द फर्म आर फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली। सारे प्रपोजल्स फर्म्स के रिटेन्ड अर्निंग से फाइनेंस किए जाएंगे, दैट इज यहाँ पे कोई इक्विटी या डेप्ट इश्यू नहीं किया जाएगा। सेकेंड, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आर एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE आर कॉन्स्टेंट। जो भी आपका रिटर्न आएगा यहाँ पे वो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कॉन्स्टेंट मानी गई है इसके अंदर। थर्ड, फर्म हैज इनफाइनाइट लाइफ, फर्म की इनफाइनाइट लाइफ है वो हमेशा चलती रहेगी। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर कंसीडर की गई हैं। फॉर्मूला की अगर हम बात करें वॉल्टर्स मॉडल की, तो यहाँ पे किसी भी फर्म का मार्केट प्राइस कैसे निकाला जाता है वॉल्टर्स मॉडल के बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये आपका होता है डिविडेंड पर शेयर, जो आप डिविडेंड दे रहे हैं पर शेयर पे, यहाँ पे आता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, और यहाँ पे आपका डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके बेसिस पे आपका प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए उसका, उसके बेसिस पे। तो ये आपका वॉल्टर्स मॉडल के बेसिस पे निकलेगा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आप इसको याद रखिए अच्छे से। सेकेंड आपका गॉर्डन्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल के अंदर क्या बोला गया, डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट एंड कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म शेयर एंड दैट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया, डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट है और यहाँ पे ये फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करता है। एजम्पशंस देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ देखिए इसमें ग्रोथ रेट को भी एज्यूम किया गया और ग्रोथ रेट आपका क्या होता है, बी एंड आर। अब ये बी आर क्या है, देखिए बी आपका होता है रिटेंशन रेशियो, दैट इज कंपनी कितना प्रॉफिट रिटेन कर लेती है। आर क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, और जो भी आपने प्रॉफिट रिटेन करें उस पर रेट ऑफ रिटर्न क्या आ सकता है। ओके, तो ये बेसिकली आपका ग्रोथ रेट होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो ग्रेटर मानी गई है एज कम्पेयर टू ग्रोथ रेट।
यहाँ पे फॉर्मूला इसका देखिए, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला इसका ये है, ये आपका है ईपीएस माइनस वन माइनस रिटेंशन रेशियो डिवाइड बाई के ई माइनस बी आर, बी आर आपका ग्रोथ रेट होता है। तो आप वॉल्टर्स एंड गॉर्डन मॉडल के फॉर्मूला को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये दोनों फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, और आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे आते हैं डायरेक्टली। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसके फॉर्मूला को, और आप इसका डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड, रेजिडुअल थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर क्या बोला गया है कि देखिए कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी होती है। देखिए अगर मान लीजिए आप शेयर इशू कर रहे हैं तो कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगी होती है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से क्या होता है, जो आउटसाइड इक्विटी होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है एज कम्पेयर टू इनसाइड इक्विटी। इनसाइड इक्विटी क्या होती है, आपकी रिटेन अर्निंग्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि आप क्या कीजिए, अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज कीजिए, बिकॉज यहाँ पे ये सस्ती होती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड इक्विटी, बिकॉज यहाँ पे आउटसाइड इक्विटी में क्या लग जाती है, आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज इशू करने के टाइम पे जो कॉस्ट लगती है आपकी, वो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। आगे क्या बोला गया आपको इसके अंदर, ये भी बोला गया है कि आप पहले क्या कीजिए, जो भी आपके प्रॉफिट्स हुए उसमें उसको आप रिटेन अर्निंग्स में डालिए, और उससे आपको जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करनी है वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कीजिए, उसके बाद अगर प्रॉफिट्स बच रहे हैं तभी आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अदरवाइज उसको रिटेन करके रखिए। लास्ट आपका मोदीगिलानी मिलर अप्रोच, तो यहाँ क्या बोला गया, मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द अर्निंग ऑफ द फर्म एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो अफेक्ट होता है क्या उसकी अर्निंग्स है, और इससे अफेक्ट नहीं होता कि क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही है उसको। तो ये मोदीगिलानी मिलर ने बोला, और यहाँ पे इसको इन्होंने प्रूव किया आर्बिट्राज मॉडल से। तो ये इंपॉर्टेंट है, एजम्पशंस देख लेते हैं इनके। देखिए परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सिक्योरिटीज आर डिविजिबल। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि डिविडेंड के अंदर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो मोदीगिलानी मिलर के एजम्पशंस है वो सिमिलर ही है। आगे बात करते हैं नो टैक्सेस एंड नो फ्लोटेशन कॉस्ट। चलिए अगला है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये आपके लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर क्या कहता है, सबसे पहले आपका मोटिव फॉर होल्डिंग कैश। तो आप जब भी कैश रखते हैं अपने पास, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास कैश रखता है, तो उसके क्या मोटिव्स हो सकते हैं, तो देखिए चार टाइप के मोटिव्स होते हैं, आपको नाम याद होने चाहिए बस, बिकॉज यहाँ पे आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जा सकता है कि कैश होल्ड करने के क्या क्या मोटिव्स हो सकते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड कॉम्पनसेटिव मोटिव, ये चारों के चारों मोटिव्स होते हैं होल्ड करने के कैश को। नाउ अगर हम बात करें डिटेल्स की, तो देखिए आपको पता होगा ट्रांजेक्शन करने के लिए जो आपको कैश चाहिए वो ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। प्रिकॉशनरी के मान लीजिए कंटिजेंसी फंड आपको रखना पड़ता है, मान लीजिए कोई भी ऐसी कंटिजेंसी आ जाए जहाँ पे आपको कैश की रिक्वायरमेंट हो, सडन रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए आप कुछ कैश रखते हैं। उसके बाद आपका स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपको लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके एकदम से आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट हो जाएगा, तो उसके लिए आप कुछ कैश होल्ड करके रखते हैं, तो यहाँ पे वो आपका स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर आएगा। कॉम्पनसेट मोटिव, अब ये क्या होता है, देखिए आपको पता होगा बैंक के अंदर आपको मिनिमम बैलेंस रखने होते हैं, तो ये सब चीजें आपके कॉम्पनसेटिव के अंदर आते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये। आगे बात करते हैं हम सीधा फ्लोट मैनेजमेंट पे। तो फ्लोट मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए फ्लोट मैनेजमेंट एक टाइम गैप होता है, आपने कभी पेमेंट की और यहाँ पे जो रिसीपेंट है उसको रिसीव हुआ, उसके बीच में जो टाइम गैप है वो आपको फ्लोट मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब देखिए मान लीजिए आपने किसी को चेक पेमेंट की, चेक तो एक दिन में क्लियर नहीं होता, उसको 2-3 डेज का टाइम लग सकता है, 4-5 डेज का भी लग सकता है, तो यहाँ पे बेसिकली जो टाइम गैप है आपकी पेमेंट में और जो रिसीपेंट है उसको रिसीव होने में, तो यहाँ पे उसके बीच का जो टाइम गैप है उसको फ्लोट कहा जाता है। ओके कंपोनेंट्स क्या होते हैं फ्लोट के, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अगर डायरेक्टली पूछा जाता है पेपर के अंदर कि फ्लोट मैनेजमेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं फ्लोट के वो बताइए, तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मेल टाइम, प्रोसेसिंग टाइम एंड कलेक्शन टाइम। तो ये तीनों टाइम के बेसिस पे जो आपका टाइम गैप होता है वो डिवाइडेड होता है। आगे बढ़ते हैं कैश बैलेंस मॉडल पे आते हैं। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑप्टिमम कैश अपने पास रिजर्व करके रखना होता है यहाँ पे, सो दैट उसको शॉर्टेज भी ना हो और एक्सेस भी ना हो, बिकॉज देखिए अगर एक्सेस होगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके लिए, बिकॉज उससे वो कुछ रिटर्न अर्न कर सकती है, और अगर शॉर्टेज होगी तो यहाँ पे उसका प्रोडक्शन रुक सकता है, तो ऑप्टिमम कैश रखना होता है। जैसे कि आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ईओक्यू मॉडल पढ़ा होगा कि ऑप्टिमम इन्वेंट्री कितनी रखनी होती है, उसी तरीके से आपको ऑप्टिमम कैश भी रखना होता है अपने पास। अब देखिए यहाँ पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस मॉडल के अंदर दो मॉडल आते हैं मेजर, सबसे पहले आपका बॉमर्स मॉडल, तो इसके अंदर क्या बोला गया है, इसको किसने दिया था, डब्ल्यू जे बॉमल ने इन द ईयर 1952। ये बिल्कुल ईओक्यू मॉडल के सिमिलर ही है जो कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, सी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 FT/R, यहाँ पे एफ क्या है आपका टोटल कैश रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो टोटल कैश रिक्वायरमेंट है किसी ईयर के अंदर, कॉस्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, ईच ट्रांजेक्शन आप बार बार कैश निकाल रहे हैं जमा कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो,
इसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दैट इज आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये सारी चीजें कंसीडर करके आप यहाँ पे बोनस बेसिस पे ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मुला याद होना चाहिए, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट बी अप्लाइड इफ डिमांड फॉर कैश इज नॉट स्टडी। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला तब नहीं लगाया जा सकता अगर आपकी कैश रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा वेरी करती है, वो स्टडी नहीं है, तो यहाँ पे आप बोनस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं। मिलर और मॉडल, अब देखिए यहाँ पे अगर उसको नहीं यूज कर सकते तो आप मिलर और मॉडल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हायर अमाउंट और एक लोअर अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि इसके रेंज में हमारा जो कैश बैलेंस है वो वैरी करेगा। तो देखिए इसके अंदर क्या बोला गया, इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर द कैश फ्लो द इन्वेंट्री टाइप मॉडल कैन नॉट बी यूज्ड। दिस मॉडल हैज स्पेसिफाइड टू कंट्रोल लिमिट फॉर कैश बैलेंस, एक अपर कैश लिमिट और एक लोअर कैश लिमिट। द अपर लिमिट एच बियॉन्ड विच द कैश बैलेंस नीड नॉट टू बी अलाउड टू गो एंड अ लोअर लिमिट बिलो विच द कैश बैलेंस इज नॉट अलाउड टू रिड्यूस। तो यहाँ पे देखिए एक अपर लिमिट है एक लोअर लिमिट है, अपर लिमिट से ऊपर हम कैश बैलेंस को जाने नहीं देते हैं और लोअर लिमिट से हम कम नहीं होने देते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं, ये आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, 3TV/4i। टी क्या होता है आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वी होता है आपका वेरियंस ऑफ डेली कैश फ्लो, जो आपका डेली कैश फ्लो है उसके अंदर वेरियंस कितना है, कितना वो चेंज होता है, कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। आई आपका होता है डेली परसेंटेज इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए आप जब भी ऑप्टिमम चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो इन्वेंट्री हो चाहे कैश, तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट को लेके चलते हैं। ऑप्टिमम कैश बैलेंस आपका ये जेड होता है। ओके, तो आप ये फॉर्मुला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली हायरार्की है कि आपको कैसे मनी को रेज करना चाहिए, कौन सी फाइनेंसिंग पहले करनी चाहिए, कौन सी फाइनेंसिंग बाद में करनी चाहिए, तो ये एक ऑर्डर है बेसिकली। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अंदर क्या होता है, देखिए सजेस्टेड बाय डोनाल्डसन इन 1991, तो ये याद रखिए, फैक्चुअली आपसे पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैनेजर्स फॉलो अ हायरार्की टू चूज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ओके, तो यहाँ पे एक हायरार्की बनी होती है कि इसके बेसिस पे आप ये देखते हैं कि आप पहले क्या रेज करेंगे उसके बाद क्या रेज करेंगे। तो हायरार्की कुछ इस तरीके की है, सबसे पहले आप इंटरनल फाइनेंसिंग करेंगे, दैट इज आपकी जो रिटेन अर्निंग्स है उसको फाइनेंस करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे जाएंगे, एक्सटर्नल में भी पहले आप डेब्ट पे जाएंगे और उसके बाद आप इक्विटी पे जाएंगे। तो देखिए ऐसा क्यों है, बिकॉज देखिए इक्विटी आपकी जो होती है वो कॉस्टली होती है और रिटेन अर्निंग सबसे सस्ती होती है, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से अवेलेबल है और डेब्ट इन बिटवीन आता है सेंटर में। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप इक्विटी के पास जाते रहते हैं वैसे वैसे रिस्क इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज देखिए रिटेन अर्निंग पे आपकी कोई भी रिस्क नहीं होती बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का है, बट आप जैसे जैसे डेप्ट पे जाएंगे या इक्विटी पे जाएंगे उनको तो रिटर्न करना ही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप इक्विटी की तरफ बढ़ते वैसे वैसे आपका रिस्क बढ़ता जाता है और इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज देखिए जितना ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इक्विटी शेयर होल्डर ये भी कह सकते हैं कि आपकी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन काफी रिस्की है, अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें इतना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, हमारा इतना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसके बेसिस पे तो क्या होता है, कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। सो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये एक रिवीजन वीडियो थी, इसके अंदर हमने सारे फॉर्मुलास को रिवाइज किया और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थे उनको देखा। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर जो वीडियोस प्रोवाइडेड है आप उनको देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।